आपसे टेक्निकल क्वेश्चन है कि इस फील्ड के अंदर लाखों बच्चे ट्राई ले रहे होते हैं, एक टाइम के ऊपर सिलेक्शन होती है 15 बच्चों की, उसमें से 11 खेल रहे होते हैं, बाकी बच्चों का जो करियर वो कहाँ पे स्टैंड करता है? एक्चुअली सिस्टम, आपके पास टैलेंट है तो आपको ऑनेस्टली उसको किसी न किसी जगह के ऊपर जो है उसको सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि अगर वो 15 में नहीं आए तो उनको आप इग्नोर कर दें, या वो अपने क्लब्स में बेचारे जिसे कहते हैं ना कि टाइम ज़ाया करते रहें या इसी चीज़ के लिए तरसते रहें कि उनको कभी चांस मिलेगा। तो उसका बेहतर तरीका ये है कि जिस तरह से अभी लास्ट टाइम हम देख रहे थे ग्रास रूट लेवल के ऊपर स्कूल क्रिकेट हो रही थी, फिर उसके अलावा अंडर 13, अंडर 11, अंडर 16, अंडर 19, तो ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है जो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट मिले तो डेफिनेटली आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा टैलेंट उजागर होगा, और वो जो बच्चे जिनकी आप बात करें उनका फिर टाइम ज़ाया नहीं होगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर प्रोड्यूस होंगे। की वर्किंग भी हो रही जो आपने अभी इसका सलूशन बताया? डेफिनेटली मैंने पिछले साल तक तो देखा है कि काफ़ी अच्छा स्कूल्स वगैरह के लेवल के ऊपर कोचेज ने बहुत मेहनत की, बहुत काम किया, और अंडर 19, अंडर 16, जैसा मैंने बताया, इवन अंडर 13 के ऊपर रीजन लेवल के ऊपर क्रिकेट हुई, सिटी लेवल के ऊपर, तो बड़ा अच्छा लगता है। और फॉर द टाइम बिंग अभी जिस तरह की आपने देखा एडहॉक के ऊपर है हमारी जो PCB की कमेटी और सारा बोर्ड है, तो दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट कि वो किसी तरह से जो है इस लेवल को भी उजागर करें। तो इंशाल्लाह होपफुली जो भी क्रिकेट बोर्ड में सदर हो, जो भी हो, मैं तो ज़ाती तौर पे एक ही चीज़ एक्सपेक्ट भी करता हूँ, रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि सर प्लीज़ ग्रास रूट के ऊपर ज़्यादा मेहनत करेंगे तो आपको ज़्यादा प्लेयर्स मिलेंगे। एक क्रिकेटर का कितने साल का कैरियर होता है? डिपेंड करता है सर, बात यह है अगर एक बैट्समैन है तो डेफिनेटली उसको इतनी लेवल पे फिटनेस नहीं चाहिए होती। हाँ, टेस्ट लेवल के ऊपर उसकी फिटनेस बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उसमें यह होता है क्योंकि उसने सिर्फ बैटिंग करनी होती है तो ऑफकोर्स उसका थोड़ा सा कैरियर लंबा होता है, नॉर्मली वो 10 से 12 से 18 साल तक भी चले जाते हैं। एक फास्ट बॉलर बेसिकली ऐसा बीच में क्रिकेटर होता है जो अगर बहुत ज़्यादा पीक पर अच्छा खेल जाए 7 से 8 साल। और अगर बात करें जिमी एंडरसन की तो हैट्स ऑफ टू हिम के मतलब इतना लंबा एज अ फास्ट बॉलर कैरियर, और डेफिनेटली वो एक प्लेइंग लेजेंड है। लोग अक्सर कहते हैं खेलने के बाद ये लेजेंड बने, लेकिन वो प्लेइंग लेजेंड है। इसके अलावा जिस तरह हमारे वसीम भाई थे, वसीम अकरम हो गए, वकार भाई हो गए, इन्होंने भी 18-18, 20-20 साल क्रिकेट खेली, तो ये होता है। और स्पिनर के लिए डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है, अगर वो परफॉर्म करते रहेंगे तो उनका कैरियर उतना लंबा होता जाएगा। मैसेज कन्वे करना चाहें? मैसेज लाइक अगर PCB के लिहाज से आप बात करें तो मैंने जैसे पहले भी रिक्वेस्ट की है कि जितना ज़्यादा हम ग्रास रूट लेवल के ऊपर काम करेंगे, जितना हम छोटे बच्चों को और स्पेशली गरीब बच्चों को हम सपोर्ट करेंगे और उनको थोड़े छोटे से छोटे लेवल के ऊपर अगर हम उनको थोड़ा सा भी स्टाइपेंड लगा देंगे, थोड़ा बहुत भी उनको पे करना शुरू कर देंगे, तो वो ज़्यादा शौक से मेहनत करेंगे। क्लब्स को इस तरह की फैसिलिटीज़ दी जाए, और क्लब्स के ऊपर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो बच्चों के ऊपर ईमानदारी के साथ मेहनत करें, क्योंकि जो बच्चा आता है अगर कोई वो फीस अफोर्ड नहीं करता तो नॉर्मली ऐसे क्लब्स मैंने देखे हैं जो उनको अलाउ नहीं करते अपने पास खेलने के लिए कि जी वो किसी भी क्लब में चले जाएं जहां फ्री है। और ऑफ कोर्स मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा है जहां फ्री खेलने वाले बच्चे होते हैं उनके ऊपर इतनी ज़्यादा अटेंशन पे नहीं की जाती। तो मैं ये नहीं कि अपनी तारीफ करूँगा, लेकिन मैं लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर रहा हूँ। मेरे पास यहाँ पर वो बच्चे हैं जो रात को बर्गर भी लगाते हैं, पूरी रात काम करते हैं, फिर उसके बाद ऐसे बच्चा भी है जो रात को मगरिब के बाद रोड पर खड़ा होता है, और आज वो जिस मैंने नाम लिया बिलाल का, और 2 बजे तक सुबह वो गुब्बारे बेचता है। तो आई डोंट चार्ज हिम इवन सिंगल पैनी, बट इन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतना फ़ख्र है कि इंशाल्लाह वेरी सून आप देखेंगे वो पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करेगा, स्पेशली पाकिस्तान अंडर 19 के लिए, बिकॉज उसने इतनी मेहनत कर छोड़ी है बच्चे ने, और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए। मैं कुछ दिखाने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि गरीब बच्चे के लिए ज़्यादा क्रिकेट है बिकॉज वो ज़्यादा मेहनत करता है। एक अमीर के पास तो फैसिलिटीज़ ही बहुत ज़्यादा हैं, अगर ज़्यादा गर्मी हो जाती है वो तो अपने घर के अंदर नेट लगा लेता है, लेकिन ये नहीं है कि अमीर में प्लेयर। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।